कोरोना वायरस के बाइस कौमी एयरलाइन का चीन के लिए ऑपरेशन फिर से मौतल कर दिया गया है। चीन के लिए परवाजों पर 15 मार्च तक पाबंदी आयद कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाइस कौमी एयरलाइन का चीन के लिए ऑपरेशन फिर से मौतल कर दिया गया है। चीन के लिए परवाजों पर 15 मार्च तक ये पाबंदी आयद की गई है। कोरोना वायरस के बायस कौमी एयरलाइंस का चीन के लिए ऑपरेशन फिर से मुअत्तल कर दिया गया है। चीन के लिए परवाजों पर 15 मार्च तक पाबंदी आयद की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वायरस के बायस कौमी एयरलाइन का चीन के लिए ऑपरेशन फिर मुअत्तल कर दिया गया है। चीन के लिए परवाजों पर 15 मार्च तक पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस जिससे चीन में हलाकतों का सिलसिला जारी है और ईरान में भी अब जो इसका जो शिकंजा है वो पहुंच चुका है और वहां पर भी हलाकतों का सिलसिला इस वक्त जारी है। 8 अफराद हलाक हो चुके हैं ईरान में भी और सूरत हाल ये है कि कौमी एयरलाइन का जो ऑपरेशन है एक दफ़ा फिर से चीन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि चीन के लिए परवाजों पर 15 मार्च तक पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस के बाद ऑपरेशंस को बहाल किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि जो मुसाफिर थे वो चीन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से चीन रवाना हो रहे थे, मगर ऑपरेशन एक दफ़ा फिर से मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वायरस के बायस कौमी एयरलाइन का चीन के लिए ऑपरेशन फिर मुअत्तल कर दिया गया है। चीन के लिए परवाजों पर 15 मार्च तक पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस जिससे चीन में हलाकतों का सिलसिला जारी है और ईरान में भी अब जो इसका जो शिकंजा है वो पहुंच चुका है और वहां पर भी हलाकतों का सिलसिला इस वक्त जारी है। 8 अफराद हलाक हो चुके हैं ईरान में भी और सूरत हाल ये है कि कौमी एयरलाइन का जो ऑपरेशन है एक दफ़ा फिर से चीन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि चीन के लिए परवाजों पर 15 मार्च तक पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस के बाद ऑपरेशंस को बहाल किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि जो मुसाफिर थे वो चीन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से चीन रवाना हो रहे थे, मगर ऑपरेशन एक दफ़ा फिर से मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वायरस के बायस कौमी एयरलाइन का चीन के लिए ऑपरेशन फिर मुअत्तल कर दिया गया है। चीन के लिए परवाजों पर 15 मार्च तक पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस जिससे चीन में हलाकतों का सिलसिला जारी है और ईरान में भी अब जो इसका जो शिकंजा है वो पहुंच चुका है और वहां पर भी हलाकतों का सिलसिला इस वक्त जारी है। 8 अफराद हलाक हो चुके हैं ईरान में भी और सूरत हाल ये है कि कौमी एयरलाइन का जो ऑपरेशन है एक दफ़ा फिर से चीन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि चीन के लिए परवाजों पर 15 मार्च तक पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस के बाद ऑपरेशंस को बहाल किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि जो मुसाफिर थे वो चीन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से चीन रवाना हो रहे थे, मगर ऑपरेशन एक दफ़ा फिर से मुअत्तल कर दिया गया है।